हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की देसी गुजराती रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं गोलगप्पे यानी पानी पूरी की रेसिपी। कई लोग इसे गोलगप्पे कहते हैं तो कई लोग इसे पानी पूरी कहते हैं, लेकिन ये रेसिपी सभी लोगों को पसंद आती है, बच्चों से लेकर बड़ों को, सभी लोगों को फेवरेट होती है। तो आज मैं पानी पूरी की रेसिपी 5 नए फ्लेवर के पानी के साथ बनाऊंगी। ये पानी पूरी के 5 फ्लेवर के पानी बनाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मैं स्टेप बाय स्टेप सभी रेसिपी बताऊंगी सभी फ्लेवर के पानी पूरी की। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप रेसिपी क्या क्या करना चाहिए हमें। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देख लेते हैं पहले पानी बनाने की विधि। सबसे पहले हम बनाएंगे पुदीना का जो रेगुलर पानी होता है वो बनाएंगे। उसके लिए हमने 1 कटोरी पुदीना ले लिया है और 1 कटोरी हमने धनिया ले लिया है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची को कट कर लिया छोटे टुकड़ों में, आपको जितना तीखा पसंद हो इस हिसाब से ले सकते हैं। शक्कर ले ली है मैंने, आधा कटोरी से ऊपर ले ली है। और यहाँ पर मैंने आधा चम्मच काला नमक पाउडर ले लिया है। आगे हमें चाहिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने छिलका उतार के ले लिया है, और हमें चाहिए 1 नींबू का जूस। आगे हमें चाहिए सादा नमक, बाद में हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 मिक्सर जार ले लिया है, उसमें हम पुदीना ऐड करेंगे। अब उसके बाद हम हरा धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पर हरा धनिया और पुदीने को अच्छे से मैंने धोकर साफ कर लिया है। अब उसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है, यहाँ पर मैं थोड़ी ऐड कर रही हूँ, बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 50 से 60 ग्राम चीनी ले ली है। अब उसमें हम अदरक का टुकड़ा ऐड कर देंगे छोटे टुकड़ों में कट करके, आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप अदरक और हरी मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसमें हम बाद में नींबू का जूस ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने 1 नींबू का जूस ले लिया है, 1 चम्मच काला नमक पाउडर यानी कि संचल पाउडर और आधा चम्मच जितना नमक। अब इसे हम अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे, अगर ज़रूरत लगे तो हम थोड़ा पानी यूज़ करेंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है, अभी ये गाढ़ा है। अब इसमें हम 2 ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 ग्लास जितना ठंडा पानी ऐड कर दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा पुदीना का जो रेगुलर पानी आता है वो तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक साइड रख देंगे और अब बाद में हम दूसरा पानी ऐड करेंगे। अभी इसमें हम हरा धनिया ऐड कर लेंगे। अब ये हमारा पुदीना फ्लेवर का पानी तैयार हो चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख दे है। अब इसे दूसरा पानी देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इमली का पानी बना रहे हैं जो बिल्कुल खट्टा मीठा लगेगा। और यहाँ पर इमली को मैंने गर्म पानी में आधे घंटे के लिए सोख करके रख दिया है। आगे हमें चाहिए शक्कर, यहाँ पर मैंने शक्कर आधा कटोरी से ऊपर ले लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जितना काला नमक पाउडर यानी संचल पाउडर और आधा चम्मच जितना नमक। अब यहाँ पर हम इमली के पल्प निकाल लेते हैं। अब इसमें से हम बीज अलग कर लेंगे ताकि हमारी मिक्सी में पीसने में आसानी हो। अब इसी तरह से हम इमली के पल्प से इस तरह से बीज निकाल लेंगे और बाद में इसे हम मिक्सी में ऐड कर देंगे। इस तरह से हम बीजों को अलग कर देंगे और बाद में इसे हम मिक्सी में पीसने के लिए ऐड कर देंगे। अब इसी तरह से मैंने सारे बीजों को अच्छे से निकाल लिया है। अब इस पल्प को हम मिक्सर जार में ऐड कर लेंगे। अब उसमें हम शक्कर को ऐड कर लेंगे, यहाँ पर मैंने 50 से 60 ग्राम शक्कर ली है। अब काला नमक पाउडर, सादा नमक
और लाल मिर्च। जितना आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्सी में पीस लिया है और इस तरह से छन्नी की मदद से इसे मैं छान रही हूँ ताकि जो कचरा हो वो बाद में निकल जाए। इस तरह से अच्छे से हिलाते हुए इसका सारा पेस्ट निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि इमली का सारा जो कचरा होता है वो इस तरह से ऊपर रह जाता है और सारा पल्प नीचे आ गया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 ग्लास जितना पानी ऐड कर दिया है। यहाँ पर सभी पानी में 2 ग्लास के मात्रा से बना रही हूँ। आप जितना बना रहे हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब उसमें हम हरा धनिया ऐड कर लेते हैं। अब ये हमारा इमली का पानी तैयार हो चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब हम तीसरा पानी बनाने के लिए विधि देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम सॉस फ्लेवर का पानी बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 से बड़े 3 चम्मच सॉस ले लिया है। वो मैं एक बाउल में ले रही हूँ। अब उसमें हम चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम जितनी चीनी ले रही है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच जितना काला नमक पाउडर। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 2 ग्लास पानी ले रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारी चीनी पिघल ना जाए तब तक इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहे तो पीसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सॉस का पानी तैयार हो चुका है। अब इसमें हम पुदीना और हरा धनिया ऐड कर लेंगे। ये सॉस का फ्लेवर का पानी भी बहुत बढ़िया लगता है। अब हमारा सॉस का पानी तैयार हो चुका है। अब इसे भी हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और हम चौथे फ्लेवर की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम चौथा फ्लेवर लहसुन का बना रहे हैं। अदरक और लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। जिसको तीखा पानी पसंद हो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। उसके लिए मैंने लहसुन को ले लिया है। अदरक है, हरी मिर्च है और हरा धनिया है। सादा नमक चाहिए हमें और लाल मिर्च चाहिए हमें। 1 नींबू का जूस ले लिया है मैंने। 1 चम्मच काला नमक पाउडर और चीनी ले ली है मैंने 1/2 कटोरी से ऊपर, 50 से 60 ग्राम जितनी। अब यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लेते हैं। अब उसमें हम हरे धनिया को ऐड कर लेंगे। अब उसमें हम हरी मिर्चों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम तीखा पानी बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं 2 बड़े मिर्च को ऐड कर रही हूँ। अब चीनी ऐड कर देंगे और हम ऐड कर देंगे लहसुन। लहसुन की कलियाँ यहाँ पर मैंने 7 से 8 ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 नींबू का जूस, 1 चम्मच काला नमक पाउडर, 1/2 चम्मच जितना नमक, 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर। आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप सभी मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हमने पीस लिया है मिक्सर जार में। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर लग रहा है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी को ऐड कर दिया है। सभी मात्रा यहाँ पर मैं 2 ग्लास पानी की ही बना रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसमें हम हरा धनिया ऐड कर लेंगे और यह हमारा लहसुन वाला पानी भी तैयार हो चुका है। जिनको तीखा पसंद हो उनके लिए ये खास पानी बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे हम 5वें फ्लेवर की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम भुना हुआ जीरा का पाउडर बनाएंगे पानी। उसके लिए मैंने 1 चम्मच भुना हुआ जीरा और 1 चम्मच आमचूर पाउडर ले लिया है और 1 कटोरी पुदीना है।
एक हरी मिर्च को इस तरह से कट कर लिया है, एक नींबू का जूस ले लिया है मैंने, एक चम्मच काला नमक पाउडर, आधा चम्मच नमक, और यहाँ पर मैं चीनी ले रही हूँ 50 से 60 ग्राम। अब एक मिक्सर जार ले लेंगे। अब उसमें हम पुदीने को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम जीरा आमचूर फ्लेवर बना रहे हैं, हरी मिर्च ऐड कर देंगे, चीनी को ऐड कर देंगे, एक चम्मच भुना हुआ जीरा, एक चम्मच भुना हुआ आमचूर पाउडर, नमक, एक चम्मच काला नमक पाउडर और एक नींबू का जूस। अब इसे हम पीस लेंगे मिक्सर जार में। और पीसने के बाद आप देख सकते कि हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें हम ठंडा पानी ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 ग्लास जितना पानी ऐड कर दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऊपर से हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा जीरा और आमचूर का पानी तैयार हो चुका है। ये फ्लेवर भी बहुत बढ़िया रहता है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू और चने ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने चनों को उबाल लिया है। एक कटोरी में चना ले रही हूँ, इस तरह से मैंने उबाल के रख दिया है। अब यहाँ पर आलू को भी मैंने बॉईल कर लिया है और अच्छे से छील के तैयार कर लिया है। आप जितना मसाला बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने प्याज को भी कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज को कट कर लिया है। हरा धनिया है, काला नमक पाउडर 1 चम्मच जितना, 1 चम्मच जितना नमक और 1 चम्मच जितना लाल मिर्च का पाउडर। अब हम मसाला बनाना शुरू करते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें हम आलू को ऐड कर देंगे। आप जितना मसाला बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 से 5 लोगों के बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अब इसे हम मैश कर लेंगे। इस तरह से हम मैश करने के बाद हम आगे के प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आलू को मैश कर लिया है। अब उसमें हम चने को ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम प्याज को ऐड कर लेंगे। प्याज को हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। काला नमक पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, आगे हम हरा धनिया और नमक ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब कुछ। अब अच्छे से मिक्स करके हमारा मसाला तैयार कर लेते हैं। अब चम्मच की मदद से मैंने अच्छे से मसाले को मिक्स कर दिया और इस तरह से पानी पूरी को भर दिया है और 5 तरह के पानी को मैंने इस तरह से रख दिया है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई रेसिपी के लिए आप मेरी चैनल पर जा सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सबको ये मेरी रेसिपी कैसी लगती है। धन्यवाद।